या आपको व्हाट प्रॉब्लम्स दिए इनको सॉल्व करना है. फर्स्ट इज गोपी हैज 6 रेड पेंस एंड 12 ग्रीन पेंस. हाउ मैनी पेंस डज ही हैव इन ऑल. यानी गोपी उसके पास 6 रेड पेंस हैं और 12 ग्रीन पेंस हैं. हाउ मैनी पेंस डज ही हैव इन ऑल. अब ये बताना है अब उसके पास दोनों पेन मिलाकर कितनी पेन हुई. ठीक है करते हैं हम सॉल्व. 6 है उसके पास रेड पेन और 12 है ग्रीन पेन. तो दोनों में से बड़ी वाली डिजिट कौन सी है आपकी 12, इसलिए इसको हम फर्स्ट नंबर पे लिखेंगे. यानी लिखेंगे हम ग्रीन पेन्स. कितनी है ग्रीन पेन्स 12 लिख देंगे. फिर 6 है रेड पेन्स तो यहाँ जाएगा रेड पेन्स इज इक्वल टू 6 दिया है 6 लिखेंगे प्लस करेंगे हम. पूछा है ना कि कितनी है उसके पास पेन दोनों. हाउ मेनी पेन्स डज ही हैव इन ऑल. तो इसमें हम प्लस करेंगे. प्लस करना सबको आता है. 2 के नीचे 6 दिया है यानी 2 में प्लस करना है आपको 6. कैसे करेंगे 2 लाइन बनाएंगे प्लस का साइन. 6 दिया है 6 लाइन बनाइए आप. 1 2 3 4 5 6 टोटल लगाएंगे. 1 2 3 4 5 6 7 8 8 आ गया. ठीक है 1 के नीचे कुछ नहीं दिया यानी 1 आपका एज इट इज आ जाएगा. ठीक है यानी उसके पास ग्रीन और रेड पेन कितने हैं टोटल 18. ओके चलिए सेकंड वाला करते हैं. मेगा हैज 5 येलो मैंगोज एंड 12 ग्रीन मैंगोज. हाउ मैनी मैंगोज डज शी हैव इन ऑल. यानी मेगा के पास 5 है येलो मैंगोज यानी पीले आम एंड 12 ग्रीन मैंगोज और 12 हरे आम है. हाउ मैनी मैंगोज डज शी हैव इन ऑल. अब ये बताना है उसके पास दोनों प्रकार के मैंगो कितने हुए टोटल. तो उसके पास 5 है येलो और 12 है ग्रीन. तो पहले बड़ी वाली डिजिट आगे लिखेंगे 12 आगे लिखेंगे इसको ग्रीन मैंगोज इक्वल टू कितने 12 आ गया. 5 है येलो मैंगोज तो यहाँ लिखेंगे येलो मैंगोज दिया है 1 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 आ जाएगा ऐसे.
purchased 7 more toffees. How many toffees does he have now? Raman ke paas 12 toffees thi. He purchased 7 more toffees. Usne 7 toffee aur khareed li. How many toffees does he have now? तो ये बताइए अब उसके पास कितनी टॉफीज हैं, यानी 12 तो पहले से ही उसके पास थी, वो 7 उसने और टॉफी खरीदी, तो टोटल बताना है कितनी टॉफी है उसके पास। हम लिखेंगे यहाँ रजत, सॉरी रमन, रमन हैड टॉफीज। He purchased 7 more toffees. Five plus four.
कितने हो गए 9 एंड 1 + 1 = 2। ओके, तो आप ये सारे वर्ड प्रॉब्लम्स अपनी इसी डब्ल्यू कॉपी में नोट डाउन करेंगे। स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।